दोस्तों, आप संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करते हो, आप मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप फ्री में एक वकील भी हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेलकम है हमारे इस चैनल कानून की रोशनी में। पर दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल भाषा के अंदर आपकी आम जिंदगी में समस्याएं हैं उनका कानूनी क्या है समाधान, वो उपचार देने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल से आप रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो समय पर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के अंदर लीगल एड क्लिनिक के नाम से शाखाएं इस्टेब्लिश की गई हैं। अब लीगल एड क्लिनिक अगर आपने नहीं सुना है तो जिला विधिक सहायता केंद्र आपने सुना होगा या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपने सुना होगा। तो दोस्तों, ये तीनों एक ही चीज़ है। आप पता कर सकते हैं आपके लोकल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से। अगर उसको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जाना है जिला न्यायालय के अंदर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जाकर के आपको पता कर लेना है। वैसे इसके मैक्सिमम चांसेस है कि आपके जिला न्यायालय के अंदर ही कोई एक बिल्डिंग होगी जहाँ पर यह शाखा इस्टेब्लिश की गई होगी। आप वहाँ जाकर के किसी वकील से पूछ सकते हैं, किसी टाइपिस्ट से पूछ सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से जो वहाँ पर आपको दिख जाए रेगुलर जाता हुआ, तो वह व्यक्ति आपको बता देगा कि भाई कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है ये लीगल एड क्लिनिक। अब दोस्तों, कि किस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई केस है, सिविल केस, आपको एडवाइस चाहिए उससे रिलेटेड कि भाई मैं इस केस को कैसे करूँ, कैसे होगा, क्या किस तरह से होगा, तो आपको लेके जानी है आपकी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड और जाकर के आप एडवाइस ले सकते हैं वहाँ पर लीगल एड क्लिनिक के अंदर जाकर के। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 2 लाख तक की अर्निंग करता है सालाना, तो मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि लोग कि हम किस तरह से केस फाइट करेंगे, हम किस तरह से इंसाफ पाएंगे, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर इस्टेब्लिश की गई है ये विधिक सहायता केंद्र। वहाँ पर जाकर के आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको बताना है आपकी समस्या कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आप फीस पे नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे वकील और वकील आपका केस लड़ेगा। दोस्तों, लोअर कोर्ट के अंदर लीगल एड के अंदर जो वकील हायर किया जाता है, लोअर कोर्ट के अंदर 7 से लेकर के 10,000 रुपये तक उस वकील को पे किए जाते हैं, चाहे फिर वो आपका मामला SDM कोर्ट का हो, ADM कोर्ट का हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का हो, यहाँ 7 से लेकर के 10,000 रुपये तक उनको पे किए जाते हैं। और अगर जिला न्यायाधीश के समक्ष आपका मामला है तो 14,500 रुपये वकील को फीस के रूप में दी जाती है जो कि गवर्नमेंट पे करती है। और अगर आपको हाईकोर्ट जाना है तो 18,500 रुपये उस वकील को फीस देती है गवर्नमेंट। तो आप लड़ सकते हैं न्याय के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कानून। तो इस तरह से आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जाना है जिला विधिक सहायता केंद्र पर और वहाँ जाकर के अपनी समस्या को बताना है, समाधान आपको हो जाएगा। और अगर आपको वकील चाहिए तो आपको एक आय प्रमाण पत्र की कहेंगे वो लाने को, तो हैंडवेंट बन जाता है वो, उसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं आता है आय प्रमाण पत्र बनवाने के अंदर। आपको शपथ पत्र लगता है कि आप कितना कमाते हो, जो गरीब आदमी बेचारा वो कितना कमाता है, मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपये सालाना, तो वो व्यक्ति शपथ पत्र दे दे। यहाँ तो आजकल मैं देखता हूँ कि 40,000 रुपये सालाना लिख करके शपथ पत्र पेश करते हैं लोग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।